विद्यार्थियों गुड आफ्टरनून। मैं अनिल कुमार दीक्षित, प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल नरवर, जिला रायसेन। मैं आज ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। ये हमारे पाठ्यक्रम की इकाई 4 ऊर्जा के स्रोत विज्ञान इकाई 4 के अंतर्गत है और ऊर्जा के जो स्रोत हैं उन्हें हम मुख्य रूप से परंपरागत स्रोत, जिन्हें हम अनवीकरणीय स्रोत भी कहते हैं, और दूसरे गैर परंपरागत स्रोत जिन्हें हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। इन दोनों के अंतर्गत जो भी ऊर्जा के स्रोत आते हैं वो हम इस इकाई के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। बच्चों, विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 7 में ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत और अध्याय 8 में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के बारे में विस्तार से पाठ्यक्रम दिया गया है। अध्याय 7 और अध्याय 8 दोनों के संयुक्त रूप से मिलने से इकाई 4 ऊर्जा के स्रोत पूर्ण होती है। यहाँ पे यह भी समझ लेना बहुत जरूरी है कि आखिर इसमें से हमें किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ब्लूप्रिंट के आधार पर इस पाठ्यक्रम में से एक अंक का एक प्रश्न अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक रहेगा, जिसमें खाली स्थान भरो, सही विकल्प चुनो, एक शब्द में उत्तर दो, जोड़ी मिलाओ, ये हो सकते हैं, और एक प्रश्न द्विदुत्तीय रहेगा जो कि 4 अंक का रहेगा। इस प्रकार कुल 5 अंक इसमें विभाजित किए गए हैं, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 अंक का पूछा जाएगा। सबसे पहले हम ये समझ लें कि आखिर ऊर्जा है क्या। हम जहां ऊर्जा के स्रोतों की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि ऊर्जा है क्या। साधारण रूप से हम इसे इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, किसी कार्य को करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न कर देती है ऊर्जा कहलाती है। अर्थात ऊर्जा वह माध्यम है जिसके द्वारा कार्य संपादित होते हैं, किसी कार्य को करने की क्षमता ऊर्जा है। यदि हम अपने आसपास के उदाहरण के द्वारा भी देखें कि ऊर्जा किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा हमारे लिए आवश्यक है, यहाँ पे एक टेबल के द्वारा मैंने ये बताने की कोशिश की है कि अलग अलग कार्यों के लिए किस प्रकार से अलग अलग ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे खाना बनाने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम भोजन को गर्म करते हैं जिससे भोजन पकता है, ऊष्मीय ऊर्जा। मोटर, कार, स्कूटर, ट्रक, बसें, जो भी वाहन हैं उन्हें चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल की आवश्यकता होती है, जो कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, रासायनिक यौगिक होते हैं जिनके दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यह रासायनिक ऊर्जा है, इसके परिसंचालन के लिए है रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कारखानों को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पवन चक्कियों को चलाने के लिए पवन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि हम किसी वस्तु को उठाते हैं तो पेशीय ऊर्जा जो हमारी मांसपेशियों में संचित है उसकी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से यदि सोलर कुकर को हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करने के लिए विभिन्न प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब एक बात और जान लेना आवश्यक है कि ऊर्जा
को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। अर्थात समस्त ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो निश्चित है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा परिवर्तित होती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। ये एक ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित होती है, केवल ऊर्जा को ना नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। अब हम कुछ ऊर्जा के स्रोतों के बारे में जान लें। जैसे मनुष्य, हम सभी स्वयं एक ऊर्जा के स्रोत हैं। किसी भी सामान को उठाना है, किसी चीज को धक्का लगाना है, किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो हमारा जो पेशीय ऊर्जा है वह कार्य करती है। पशु भी ऊर्जा के स्रोत हैं। हमने देखा कई प्रकार के जो वाहन हैं पशुओं के द्वारा खींचे जाते हैं क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा है। जल विद्युत, जो कि एक विद्युत उत्पन्न करने का माध्यम है, जल विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। तापीय ऊर्जा, किसी भी स्रोत से हम ऊष्मा प्राप्त करके किसी चीज को जब गर्म करते हैं तो वह कहलाएगी तापीय ऊर्जा। और जीवाश्म ईंधन, जो कि एक ऊर्जा का परंपरागत और एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसके अंतर्गत पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आता है, ये जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। ये ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पेट्रोल के द्वारा हम हल्के वाहनों में ईंधन का उपयोग करते हैं, डीजल से हम भारी वाहन, ट्रक, बसें चलाते हैं, केरोसिन के द्वारा हम जेट इंजन और घरेलू ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो जीवाश्म ईंधन अपने आप में एक महत्वपूर्ण और उपयोगी ईंधन है। इसके अतिरिक्त सूर्य, जो कि अनंत काल से हमें ऊष्मा प्रदान कर रहा है, प्रकाश प्रदान कर रहा है, ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पवन, हवाएं चलती हैं और हवा के माध्यम से भी अब पवन चक्की का प्रयोग करते हुए, पवन टरबाइन का प्रयोग करते हुए हम पवन ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो पवन ऊर्जा भी ऊर्जा का स्रोत है। समुद्र की तरंगें, समुद्र में ऊंची ऊंची तरंगें उठती हैं जिसके ऊपर हम विभिन्न प्रकार के साधनों को लगा करके उसका उपयोग करते हैं, तो समुद्र की तरंगें ऊर्जा का स्रोत हैं। बायोगैस, गोबर गैस और मलमूत्र को अपघटन करके हम बायोगैस का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा हमें गैस प्राप्त होती है जो कि भोजन को पकाने में और प्रकाश उत्पन्न करने में इसका उपयोग करते हैं। तो बच्चों, ऊर्जा के विविध स्रोत हैं और कई स्रोत इससे और आगे भी हैं जिन्हें आप खुद विचार करके लिख सकते हैं। इस प्रकार से ऊर्जा के ये विभिन्न स्रोत हैं। अब ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण, आखिर ऊर्जा के स्रोतों को हम कैसे वर्गीकृत करें, तो यहां पर ऊर्जा के स्रोतों को हमने दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। पहला जो ऊर्जा का स्रोत है वह है परंपरागत स्रोत, जिन्हें हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं, और दूसरे हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत, दूसरे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत को हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं और गैर परंपरागत को हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इस प्रकार ऊर्जा के स्रोतों को हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। अब परंपरागत ऊर्जा स्रोत या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? बच्चों, जैसा कि नाम से भी पता चलता है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अर्थात ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका पुनरुत्पादन, जिनका
नवीनीकरण संभव ना हो ऐसे ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि सैकड़ों वर्षों से पृथ्वी के सम्मुख सभी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हीं स्रोतों का उपयोग होता रहा है, इसलिए इसे हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। आए हम इसकी एक परिभाषा पर प्रकाश डालें। ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में प्राचीन काल से बहुत लंबी अवधि में संचित हुए हैं तथा उनके निरंतर तीव्र गति से उपयोग होने से वे समाप्त हो जाएंगे, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। ये स्रोत प्राचीन काल में बहुत लंबी अवधि में संचित हुए हैं और यदि इनका निरंतर बहुत तीव्र गति से उपयोग होता रहेगा तो ये ऊर्जा के स्रोत समाप्त हो जाएंगे, ऐसे ऊर्जा के स्रोतों को हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इनके जो उदाहरण हैं वो है कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, नाभिकीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा। कोयला जिससे कि सबसे पहले जब विकास की प्रारंभिक अवस्था थी ट्रेन जलाई जाती थी, आज भी कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में विद्युत घरों में किया जाता है, छोटे छोटे जो ढाबे इत्यादि है वहां भी कोयला के का जो स्रोत है वह ऊष्मा प्रदान करने का एक प्रमुख साधन है। प्राकृतिक गैस जिसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है ये ऊर्जा का एक बहुत अच्छा साधन है, और खनिज तेल जिसे हम पेट्रोलियम भी कहते हैं जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि प्राप्त होते हैं पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन के द्वारा, ये एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का साधन है। नाभिकीय ऊर्जा इसमें यूरेनियम के माध्यम से हम नाभिकीय विखंडन की क्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम का उपयोग करते हुए हम नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये नाभिकीय ऊर्जा है। और जैविक ऊर्जा विभिन्न प्रकार के जैविक अवशिष्टों से प्राप्त जो ऊर्जा है वह जैविक ऊर्जा कहलाती है। इस प्रकार परंपरागत ऊर्जा स्रोत या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा के स्रोत हैं जो प्राचीन काल से बहुत लंबी अवधि में पृथ्वी में संचित हुए हैं और इनके निरंतर उपयोग से और तीव्र गति से उपयोग से ये समाप्त हो जाएंगे, ऐसे ऊर्जा स्रोतों को हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। आए हम दूसरे प्रकार के ऊर्जा स्रोतों को देखें, गैर परंपरागत स्रोत या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। जैसा कि नाम से ही पता चलता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका नवीनीकरण संभव है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बाद में जब अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की कमी दिखाई देने लगी तो गैर परंपरागत जो स्रोत हैं उनके ऊपर विचार किया गया। सामान्यतः ये प्रत्येक स्थान पर अभी उपयोग में नहीं लाए जा पा रहे हैं, या अपन ये कहें कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अभी विस्थापित नहीं किया जा पा रहा है, परंतु ये प्रयास है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए जिससे कि हम जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उनको बचा सकें। आए इनकी परिभाषा पर विचार करें। ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं तथा जो समाप्त नहीं होते, इन स्रोतों का बार बार उपयोग किया जा सकता है, इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। बच्चों, ये ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जो अनंत काल से विद्यमान हैं और जितनी मात्रा में अनंत काल में थे उतनी ही मात्रा में हमें आज भी उपलब्ध हैं, अर्थात ये कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं, इसीलिए इन ऊर्जा स्रोतों को हम कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत।
इनके कुछ उदाहरण देखें, जैसे सूर ऊर्जा, शोर की ऊर्जा, सूर्य निरंतर करोड़ों वर्षों से दीप्यमान है, प्रकाशमान है और हमें ऊर्जा प्रदान कर रहा है, कभी इसकी ऊर्जा कम नहीं होती है। जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हवाएं चलती हैं और हवाओं से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। भूतापीय ऊर्जा, भूमि के अंदर जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वहां का तापमान अधिक है, वह भूतापीय ऊर्जा है। बायोगैस ऊर्जा, विभिन्न प्रकार के जीवों के मलमूत्र के अपघटन से बायोगैस का निर्माण होता है। जब तक पृथ्वी के ऊपर जीव रहेंगे उनके मलमूत्र से अपघटन के द्वारा बायोगैस प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार से ये उदाहरण है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के, अर्थात ये ऊर्जा स्रोत कभी समाप्त नहीं होते हैं। सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा। आज हम जिस बारे में चर्चा करेंगे उसका मुख्य बिंदु है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इसके अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन आखिर है क्या? फॉसिल फ्यूल्स, इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा युक्त कार्बन यौगिकों के वे अणु हैं जिनका निर्माण मूलतः सौर ऊर्जा के उपयोग से वनस्पतियों और अन्य जीवों से हुआ है, उदाहरण कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। अर्थात जीवाश्म ईंधन ऐसे ईंधन है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जिनका निर्माण हुआ है और वनस्पति और जीवों के अनंत वर्षों पहले भूमि में दब जाने के कारण और कालांतर में ईंधन में, कोयले में, पेट्रोलियम में परिवर्तित होने के कारण इनका निर्माण हुआ है, ये जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जीवाश्म का अर्थ है किसी भी पुरातन समय का कोई भी अवशेष जीवाश्म या फॉसिल कहलाता है। अगर आज कोयला किसी खदान से निकल रहा है तो वह करोड़ों वर्षों पहले वहां पर उपस्थित वनस्पतियों के अवशेष हैं। यदि कहीं पर पेट्रोलियम निकल रहा है तो वह वहां पर करोड़ों वर्षों पहले उपस्थित जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के अवशेषों के कारण ही है। तो जीवाश्म ईंधन ईंधन ऊर्जा युक्त कार्बन यौगिकों के वे अणु हैं जिनका निर्माण मूलतः सौर ऊर्जा के उपयोग से वनस्पतियों और अन्य जीवों से हुआ है। जीवाश्म वास्तव में करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए जंतु एवं वनस्पति अवशेषों से बने हुए हैं। जैसा अभी मैंने चर्चा की, जीवाश्म ईंधन करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए जंतु एवं वनस्पति अवशेषों से बने हुए हैं। जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन की प्रकृति असामान्य प्रक्रियाओं के फलस्वरूप करोड़ों वर्षों में उत्पादित हुए हैं। जीवाश्म ईंधन प्रकृति की असामान्य प्रक्रियाओं के फलस्वरूप करोड़ों वर्षों में उत्पादित हुए हैं। बच्चों, करोड़ों वर्षों पहले पृथ्वी के ऊपर जीवन कम था, मनुष्य कम थे, जंगल और जीव जंतु अधिक मात्रा में थे। पृथ्वी की उथल पुथल से, कुछ असामान्य प्रक्रियाओं से जो घने जंगल थे, जो जीव जंतु थे, जो तालाब थे, वो भूमि के अंदर चले गए और कालांतर में वो ईंधन में परिवर्तित हो गए। आज यदि पेट्रोलियम हमें प्राप्त होता है तो उसका अर्थ है कि करोड़ों वर्ष पहले जो वनस्पति अवशिष्ट थे वो वहां पर हैं, जो जंतु अवशिष्ट थे वो वहां पर हैं।
जीवाश्म ईंधनों के उपयोग की दर उनके प्राकृतिक उत्पादन से अधिक होने पर भविष्य में यह समाप्त हो जाएंगे। ये जीवाश्म ईंधनों के उपयोग की दर उनके प्राकृतिक उत्पादन से अधिक होने पर भविष्य में ये समाप्त हो जाएंगे। बच्चों ये बात समझ लेने की है कि जीवाश्म ईंधन आज यदि हम देखें पूरी दुनिया में कितने वाहन चलते हैं, कितने दुपहिया वाहन, कितने चार पहिया वाहन, कितनी बसें, कितने ट्रक, कितनी अधिक मात्रा में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन का उपयोग प्रतिदिन होता है। क्या हम इस चीज को समझ सकते हैं कि ये ईंधन जिस गति से, जिस दर से निकाले जा रहे हैं, क्या इनके निर्माण की प्रक्रिया इतनी ही तेज थी? नहीं, यह अनंत वर्षों में बहुत धीमे धीमे प्राकृतिक घटनाओं के फलस्वरूप ये निर्मित हुए हैं। इसलिए यदि इनका उपयोग हम बहुत तीव्र गति से करेंगे तो ये भंडार समाप्त हो जाएंगे और उस स्थिति को हम कहेंगे ऊर्जा संकट, क्योंकि हमारी सारी तकनीकी, हमारे सारे इंजन, हमारे सारे उपकरण इस तकनीकी पर आधारित हैं कि उसके अंदर हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन का उपयोग करेंगे तो हमारे इंजन चलेंगे। परंतु जब ये भविष्य में अगर ये समाप्त हो जाएंगे तो एक ऐसा खाली स्थान, एक ऐसा संकट, एक ऊर्जा का ऐसा संकट उपस्थित हो जाएगा जहां पर कोई विकल्प हमारे पास नहीं होगा। इसलिए ये समय है इस बात का कि हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के ऊपर अपनी निर्भरता को बढ़ाएं। कोल एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो पृथ्वी के अंदर से खदानों के रूप में निकाला जाता है। कोयले के भंडार उन वृक्षों के अवशेष हैं जो लगभग 300 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी के विशाल उथले दलदलों में पाए जाते थे। पहले, जैसा मैंने अभी चर्चा की, पहले जनसंख्या कम थी, जंगल बहुत अधिक थे और पृथ्वी कि उथल पुथल के कारण ये जंगल पृथ्वी के अंदर दब गए, उसके ऊपर रेत मिट्टी दबती चली गई, जिसके कारण इनके अंदर से नमी इत्यादि सब निकल गई और ये कालांतर में कोयले में परिवर्तित हो गए। वास्तव में भूगर्भ में उच्च ताप एवं दाब पर वृक्षों के अवशेष जो ठोस में परिवर्तित हो गए हैं, ये ठोस काले रंग का ईंधन कोयला है। बच्चों आप लोगों ने ये देखा होगा कि काले रंग का जो ईंधन कोयला, ये वास्तव में प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा ही है जो कि करोड़ों वर्ष पहले बड़े बड़े वृक्षों के भूमि में दब जाने के कारण आज कोयले के रूप में प्रकट हुई है। इस प्रकार से ये कोयले के अनंत भंडार हमें जमीन के अंदर मिलते हैं, पर यदि इनका भी उपयोग बहुत तीव्र गति से होगा तो ये भी समाप्त हो जाएंगे, इनका भी नवीनीकरण संभव नहीं है। और कोयले का उपयोग बड़ी अधिक मात्रा में ताप विद्युत घरों में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आए हम कोयले के प्रकारों को देखें। कोयला मुख्य रूप से चार प्रकारों में हमने वर्गीकृत किया है और इनके वर्गीकरण का जो आधार है वह है इनमें उपस्थित कार्बन की प्रतिशत
मात्रा। सबसे पहला जो कोयला है वह है पीट, जिसमें 60 से 67 प्रतिशत तक कार्बन पाया जाता है। दूसरा है लिग्नाइट, जिसमें 60 से 70 प्रतिशत तक कार्बन पाया जाता है। तीसरा है बिटुमिनस कोल या भूरा कोयला, जिसमें 77 से 87 प्रतिशत तक कार्बन पाया जाता है। और तीसरा है एंथ्रासाइट कोल, जिसमें 90 से 96 प्रतिशत कार्बन पाया जाता है। एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा ईंधन है। यहां पर यह समझ लेना आवश्यक है कि कोई भी ईंधन या कोई भी कोयला जब जलता है तो हमें जो ऊष्मा प्राप्त होती है वह उसमें उपस्थित कार्बन तत्व के दहन के कारण ही प्राप्त होती है। अर्थात कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी, कोयले की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। वह ईंधन या वह कोयला सबसे अच्छा होगा जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होगी। बच्चों, यहां हम इस टेबल को देख के ये कह सकते हैं कि एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा कोयला है, क्योंकि इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, 90 से 96 प्रतिशत। आपने देखा होगा जब कोयला जलता है तो कोयले के जलने के बाद हमें राख प्राप्त होती है। राख क्या है? राख अज्वलनशील पदार्थ है। यदि मैं ये बोलूं कि पीट और एंथ्रासाइट कोयले में यदि हम समान मात्रा जलाएंगे तो किसमें हमें अधिक राख प्राप्त होगी, तो हमें पीट में अधिक राख प्राप्त होगी, क्योंकि उसमें 60 से 67 प्रतिशत कार्बन है जो कि जलेगा, शेष जो चीज है लगभग 32-33 प्रतिशत वह अज्वलनशील पदार्थ है, वह राख के रूप में शेष बच जाएगी। जबकि एंथ्रासाइट कोल में 90 से 96 प्रतिशत कार्बन है, केवल लगभग 4 प्रतिशत ही अज्वलनशील पदार्थ है, इसलिए एंथ्रासाइट कोल में जो राख बचेगी वह सबसे कम बचेगी। तो बच्चों, एंथ्रासाइट जो कोल है वह सबसे अच्छा कोल है। यहां पर आप देखें, मैंने प्रयास किया है चित्रों के माध्यम से, यद्यपि बहुत ज्यादा यहां देखकर इनको नहीं समझा जा सकता या पहचाना जा सकता, इनका मूल आधार जो है वो ये है कि इनमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या है। यहाँ पे जो सबसे पहले नंबर का है इग्नाइट कोल, दूसरा सब बिटुमिनस कोल, तीसरा बिटुमिनस कोल, चौथा एंथ्रासाइट कोल, और ये है पीट। इस प्रकार से ये चार प्रकार के कोल होते हैं। आए हम पेट्रोलियम पर चर्चा करते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ करोड़ों वर्षों से दबे जीव जंतुओं के अवशेषों के विघटन का प्रमुख उत्पाद है। पेट्रोलियम करोड़ों वर्षों में जो जीव जंतु दबे हैं जमीन के अंदर, उनके अवशेषों के विघटन का ये प्रमुख उत्पाद है। मृत्यु के पश्चात जीव जंतु धसकर पृथ्वी के भीतर पहुंच जाते हैं एवं रेत एवं मिट्टी से ढक जाते हैं। करोड़ों वर्षों में ये अवशेष ऊष्मा, अत्यधिक दाब तथा उत्प्रेरण की क्रिया के द्वारा हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। बच्चों, पेट्रोलियम स्वयं हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है और इसके अंदर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम इत्यादि भांति भांति के पदार्थ उपस्थित होते हैं। ये मुख्य रूप से
जीव जंतुओं के अवशेषों के विघटन का प्रमुख उत्पाद है। इसके निर्माण के सिद्धांत में भी ये कहा जाता है कि करोड़ों वर्षों पहले जो जीव जंतु थे वो प्राकृतिक घटनाओं के कारण, पृथ्वी की उथल पुथल के कारण पृथ्वी के अंदर धस गए, उनके ऊपर रेत मिट्टी आती चली गई और करोड़ों वर्षों में यह अवशेष ऊष्मा, अत्यधिक दाब तथा उत्प्रेरण की क्रिया के द्वारा हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो गए हैं। इस प्रकार से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। यह सिद्धांत इसलिए भी सत्य प्रतीत होता है क्योंकि पेट्रोलियम के अंदर हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ भी उपस्थित होता है, जो कि किसी भी जीव के शरीर का, रक्त का एक प्रमुख घटक है। पेट्रोलियम में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति ये बताती है कि वास्तव में जो पेट्रोलियम है वह जीव के विघटन के फलस्वरूप ही निर्मित हुआ है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन्स में परिवर्तित हुए हैं जो जीवों के अवशिष्ट, वो हल्के होने के कारण छिद्र युक्त चट्टानों से रिसकर पृथ्वी की सतह की ओर तब तक आते हैं जब तक अपारगम्य चट्टानों के द्वारा इन्हें रोक नहीं लिया जाता। इस प्रकार अपारगम्य चट्टानों के बीच तेल कूप बन जाते हैं। बच्चों, इन्हें समझने की कोशिश करो। मैं पुनः पिछली स्लाइड पे जाता हूं। मृत्यु के पश्चात जीव जंतु धसकर पृथ्वी के भीतर पहुंच जाते हैं एवं रेत मिट्टी से ढक जाते हैं। करोड़ों वर्षों में ये अवशेष ऊष्मा, अत्यधिक दाब तथा उत्प्रेरण क्रिया के द्वारा हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं, अर्थात जीव जंतु पृथ्वी के अंदर चले गए। करोड़ों वर्षों में ऊष्मा, अत्यधिक दाब और उत्प्रेरण की क्रिया के द्वारा ये हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार पेट्रोलियम का निर्माण होता है। ये इसे लगा ये हाइड्रोकार्बन हल्के होने के कारण छिद्रयुक्त की चट्टानों से इस प्रकार अपारगम्य चट्टानों के बीच तेल कूप बन जाते हैं। तेल के कुएं के ऊपर हमेशा कड़ी चट्टान पाई जाती है जो हाइड्रोकार्बन जो बनते हैं। जब तक कि किसी बड़ी चट्टान के द्वारा उन्हें रोक नहीं लिया जाता। यहां पर आप देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर मैंने जो एक चित्र के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया है। सबसे ऊपर धरातल है जिसमें मिट्टी इत्यादि होती है और उसके ठीक नीचे एक पक्की चट्टान होती है जहां पर पेट्रोल के कुएं मिलते हैं जो हमने हरे रंग से दिखाई है। उसके ठीक ऊपर पेट्रोलियम गैस होती है क्योंकि गैस हल्की होती है इसलिए वह सबसे ऊपर होती है। और उसके ठीक नीचे जो हमने लाल रंग से दिखाया है पेट्रोलियम होता है और सबसे नीचे खारा पानी अर्थात नमक का घोल पाया जाता है। इसको निकालने के लिए पक्की चट्टान को भेद कर सबसे पहले हम पेट्रोलियम गैस को निकाल लेते हैं, जिसे हम जैसी गैस निकलती है वैसा ही उपयोग के लिए एकत्रित कर लेते हैं और उसके नीचे से फिर हम पेट्रोलियम प्राप्त करते हैं। और पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से हम विभिन्न प्रकार के जो घटक हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन प्राप्त करते हैं और प्रत्येक के अपने अलग अलग उपयोग हैं। इसके आगे का जो भाग है वो अपन 7 तारीख और 9 तारीख
को भी विज्ञान का कालखंड रहेगा, जिसमें अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में ही चर्चा होगी। वहां पर अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछें। कुछ में हाँ, शिवपुर के विद्यार्थी, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, चार विकल्प दूंगा, सही विकल्प के ऊपर आप अपने हाथ ऊंचे करेंगे। जीवाश्म ईंधन है, नंबर एक बायोगैस, नंबर दो लकड़ी, नंबर तीन चारकोल, नंबर चार कोयला। इन चारों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? शिवपुर से बोले बच्चे, कोयला। गुड, वेरी गुड। दूसरा मेरा प्रश्न है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, खनिज तेल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस। खनिज तेल, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। मेरा एक प्रश्न और है, शुष्क धुलाई में प्रयुक्त होता है, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम ईथर और केरोसिन। पेट्रोलियम ईथर। गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। तो बच्चों, शेष हिस्सा हम 7 तारीख को इसी समय पे कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार।